नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी आई क्यू जुडिशरी आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे कि क्लैट या सी के लिए तो ये पर्टिकुलर सीरीज आपको काफी हेल्प करने वाली है और इन केस अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस मिस किए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी आई की जुडिश्री आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी विद द नेम ऑफ लीगल रीजनिंग और आप वहां से मेरे सारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं तो एक फेमस मैक्सिम और एक इंपॉर्टेंट मैक्सिम दैट इज क्विड प्रो को तो इस मैक्सिम का मीनिंग क्या है और इस मैक्सिम को कैसे रिलेट किया जाता है विद कॉन्ट्रैक्ट

वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैक्सिम क्विड का मतलब क्या है इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न है क्या वट वी मीन बास टर्म समथिंग हेयर मीन्स डेट समथिंग विच हैज सम्यू इन द आईज ऑफ लॉ ठीक है जी अब इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे मिस्टर ए है यहाँ पे मिस्टर बी है इन दोनों ने क्या किया है कॉन्ट्रैक्ट किया है ए क्या कर रहे हैं अपनी कार को सेल कर रहे हैं किसको? बी को और बी क्या कर रहे हैं प्राइस पे कर रहे हैं ऑफ़ फाइव लाख रुपीज तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे समथिंग कार के लिए क्या मिल रहा है समथिंग दैट इज फाइव लाख रुपीज तो दिस इज बेसिकली जिसको आप फाइव लाख ,00 रुपीज को एक टर्म भी बोल सकते हैं दैट इज कंसिड्रेशन अगर आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट के वीडियोस देखे होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि हमने कंसिडरेशन के बारे में बात की थी जिसमें कि कंसिडरेशन क्या है और कंसिडरेशन की क्या एक्सेप्शंस होती है ठीक है जी तो ये क्विड प्रो को बेसिकली आपका व्हेन इट कम्स टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं ये देखिएगा ये है बेसिकली कि आपकी कंसिडरेशन होती क्या है तो वेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर नाउ द क्वेश्चन इज हु इज़ वो पर्सन है जिसने प्रपोजल दिया है तो उसकी डिजायर पर ही हमेशा कंसिडरेशन होगी जैसे बैक टू अवर एग्जाम्पल अब ए ने यहां पे प्रपोजल दिया कि वो अपनी गाड़ी सेल कर रहा है अब वो कितने में कर रहा है फाइव लाख रुपीज में टेन लाख रुपीज में टू लाख रुपीज में कितने में वो कौन डिसाइड करेगा तो ये जो कंसिडरेशन होगी किसकी डिजायर पे होगी इट इज गोइंग टू बी ऑन द डिजायर ऑफ बैक टू पार्ट द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन अब क्वेश्चन आता है कि उस कंसिडरेशन को देगा कौन तो या तो प्रोमिसी प्रोमिसी कौन है जो कि बेसिकली एक्सेप्टेंस दे रहा है और एनी अदर पर्सन एनी अदर पर्सन में कोई भी आ सकता है कोई फैमिली मेंबर कोई रिलेटिव या एनी अदर पर्सन ठीक है जी क्यों एनी अदर पर्सन जैसे यूजुअली अगर वो गाड़ी खरीद रहा है बी तो हो सकता है कि जो 5 लाख रुपीस पे कर रहे हैं वो बी के फादर कर रहे हैं तो क्या वो फिर भी एक वैलिड कंसीडरेशन मानी जाएगी द आंसर इज यस क्यों क्योंकि कंसीडरेशन कोई भी दे सकता है प्रॉमिसी भी या और एनी अदर पर्सन अब आप देखिएगा यहां पे आपको थोड़ा सा ना इंग्लिश क्लास में आपने आई थिंक हम 5th या 6th क्लास में टेंसिस पढ़ते हैं तो वो टेंसेज आपको यहां पे याद आएंगे कैसे हैज डन और एबस्टेन ये आपको बात कर रहा है पास्ट की डज और एबस्टेन ये बात कर रहा है जी प्रेजेंट की और लास्ट प्रोमिस टू डू और एबस्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग ये बात कर रहा है फ्यूचर की तो वो जो समथिंग इन रिटर्न आप दे रहे हो वो पास्ट में भी हो सकता है जैसे कि यूजुअली एक एग्जांपल इसमें आता है कि आपके मोहल्ले में कोई किराना की शॉप है आपने महीने की पहली तारीख को ही उसे दो हजार रुपए दे दिए और कहा कि अब मैं डेली कुछ भी जो है आ, मिल्क ब्रेड या जो भी सामान लेके जाऊंगा आप उसमें से डिडक्ट करते रहिएगा तो वहां पे कौन सी कंसिडरेशन है वहां पे पास्ट पासिडरेशन है फिर आता है आपका प्रेजेंट कंसिडरेशन प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब आपने एक हाथ से पैसे दिए एक हाथ से आपने सामान लिया दैट इज योर प्रेजेंट थर्ड आपका आता है फ्यूचर तो कुछ जगह आपकी उधारी भी चलती है कि भाई इस महीने हम सामान लेके जाएंगे और जो अगले महीने की पहली तारीख होगी उस पर आपको जितना भी हमारा बिल बनेगा वो हम पे कर देंगे सो दैट इज बेसिकली योर फ्यूचर कंसिडरेशन तो एज पर टू इंडियन लॉ पास्ट कंसीडरेशन भी वैलिड कंसीडरेशन है प्रेजेंट कंसीडरेशन भी वैलिड कंसीडरेशन है और आपकी फ्यूचर कंसीडरेशन भी एक वैलिड कंसीडरेशन है एक एडिशनल पॉइंट आपको मैं बता देता हूं जब आप इंग्लिश लॉ पढ़ते हैं तो उसमें पास्ट कंसीडरेशन इज नो कंसीडरेशन ठीक है इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसीडरेशन को वैलिड कंसीडरेशन नहीं माना जाता है ठीक है जी सो दिस इज बेसिकली योर सच एक्ट और असिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस तो ये था आपका मतलब मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन विद हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल और ये किस तरीके से इस क्विड प्रोको में फिट होता है ठीक है जी अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे क्विड प्रोको इन सेक्शुअल हेरेसमेंट ठीक है जी सेक्शुअल हेरेसमेंट तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की जो कि सिविल लॉ में फॉल करता है अब हम आ गए सेक्शुअल हेरेसमेंट में जो कि आपका क्रिमिनल लॉ में फॉलो करता है ठीक है जी तो अब ये क्विड प्रो को किस तरीके से इन्वॉल्व है सेक्सुअल हेरेसमेंट में तो एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं इसको भी देखिए इसमें आप दो एग्जाम्पल्स ले सकते हो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का ठीक है जी या फिर एक सीनियर का विद सबिनेट विच मींस कि यहां पे एम्प्लॉय को क्या चाहिए कुछ एम्प्लॉय अपने जॉब के बेनिफिट्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन चाहिए और यहां पर एम्प्लॉयर क्या डिमांड कर रहा है सेक्शुअल फेवर्स सो वट इज दिस समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग इन योर सेक्शुअल हेरेसमेंट तो, तो यहाँ पे क्या एलिगेशन लगाई जा सकती है एम्प्लॉय पे ऑफ सेक्शुअल हेरेसमेंट इस हमारे एक स्पेशल लॉ भी है सेक्शुअल हेरेसमेंट एट वर्क प्लेस ठीक है जी और सिमिलर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक सीनियर uh, जो पर्सन है वो सबॉर्डिनेट को सबॉर्डिनेट से जो है सेक्शुअल फेवर्स की डिमांड रखता है वाई इन इन रिटर्न ऑफ समेनिफिट और यू कैन से प्रमोशन तो इस तरीके से क्विड प्रो को आपके सेक्शुअल हेरासमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ भी यू नो यूजली रिलेट किया जाता है ठीक है सो वी आर डन विद दिस कॉन्सेप्ट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू मे राइट यूर क्वेश्चन अकॉर्डिंगली नाउ जेंटल रिमाइंडर अबाउट द क्लैट स्मार्ट कोस यू कैन यूज दिस कोड एस के लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट सो दट इट फ्रॉम माई एंड एस ऑफ See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.